ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? आओ गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत ही सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था, यानी वो उससे मुग्ध हो गया था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। विनय यानी विनम्रता की। यहाँ लेखक वर्णन कर रहा है कि ततारा किस तरह अपने होश हवास खोए था। जैसे ऐसे लग रहा था कि मानो ततारा अपने होश हवास में नहीं था, युवती के प्रश्न का जवाब देने की वजह से वह अपने ही प्रश्न में को दोहराए जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना, अपना गीत पूरा करो, तुम में सचमुच ही बहुत सुरीला कंठ पाया, कंठ यानी आवाज़ यानी गला पाया है, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। ततारा के दूसरी बार वही प्रश्न दोहराने पर युवती ने कहा कि ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं था, सच बताओ कि तुम कौन हो? लपाती गांव के तो तुम्हें नहीं देखा होगा, यानी उनका गांव लपाती होगा तो वहाँ उसने उसको नहीं देखा था। ततारा न मानो उस गीत को सुनकर वो मुग्ध हो रहा था। उसके कानों तक युवती की आवाज़ ठीक से पहुँच नहीं सकती थी। फिर भी वह युवती से प्रार्थना करने लगा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झूलती उड़ी उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अतः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा, ढीढ़ता की हद है, यानी दुस्साहस की भी एक हद है। मैं जब से परिचित पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो होश आ गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। चेतना यानी उसके विचार, लुप्त यानी गायब। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, बस अपना नाम बता दो, ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ततारा फिर यहाँ क्या करने लगा, ततारा ने बार बार प्रश्न पूछने पर युवती चिढ़ गई। वह कुछ और सोचने लगी, क्योंकि ततारा कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह बस एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहा था कि युवती ने एक बार फिर विपरीत स्वभाव के साथ कठोर शब्दों में कहा कि दुस्साहस की भी एक सीमा होती है। क्योंकि युवती बार बार ततारा से परिचय पूछ रहा था और ततारा एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहा था कि गीत गाओ। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम? एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। इतना कहकर युवती जाने लगी तो तेजी से मुड़ी। इसके मुड़ते ही मानो ततारा को क्या हो गया, होश आ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस व्यक्ति युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोक कर मानो उसे विनती करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जीवन में पहली बार वो इस तरह की अस्थिर हुआ और जहाँ से कोई होश नहीं रहा उसे। ततारा को ऐसे लगता था कि उस युवती को देखकर ऐसा हुआ। ततारा की लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिर ततारा की आंखें युवती के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रार्थना करते हुए ततारा के चेहरे पर सच्चाई दिखाई दे रही थी।